आवारा गर्दी करना, मौज मस्ती करना, सैर सपाटा करना, इस तरह के ढेरों वर्ड्स हैं जिनकी इंग्लिश वर्ड्स आज हम लोग साझा करेंगे एक दूसरे से। यानी कि हम लोग 5-6 ऐसे नए इंग्लिश वर्ड्स जानेंगे जो कि घूमने फिरने से रिलेटेड है, और इसे बिल्कुल आसान तरीके से एक वर्ड के सहारे समझेंगे। वो वर्ड है अराउंड। अराउंड मीन्स होता क्या है, चारों तरफ, आस पास, इर्द गिर्द, यानी हर तरफ, हर ओर। इसी वर्ड से हम लोग कई वर्ड्स आज बनाएंगे। जैसे एक वर्ड है चक्कर काटना, वैसे एक खास उम्र में लोग ऐसी गली और घर के चक्कर काटते ही हैं जहां पर बारात कोई दूसरा लेकर आता है। ऐसे चक्कर काटना को इंग्लिश में कहते हैं मेक अराउंड। मेक अराउंड मीन्स होता है चक्कर काटना। हालांकि किसी के घर या गली का चक्कर काटना अच्छी बात तो नहीं है, बिना काम के कहीं चक्कर ना काटे। चक्कर काटना को इंग्लिश में कहेंगे मेक अराउंड। अच्छा, कभी कभी हम ऐसे ही घूमते हैं, एम ही घूमते हैं, या कभी छोटा बच्चा परेशान करे तो उसे हम बाइक पे बैठा कर एम ही इधर उधर घूमते हैं। ऐसे ही इधर उधर घूमना पॉजिटिव है, इसे इंग्लिश में कहते हैं रोम अराउंड। रोम इस वैसे भी होता है घूमना, रोम अराउंड। देखिए, रोम के लोग वैसे ही घूमने फिरने के लिए मशहूर है, लोग रोम घूमने भी जाते हैं। उसी से आप याद करिएगा रोम अराउंड, यानी घूमना। लेकिन यहाँ पे रोम की स्पेलिंग अलग है। और एक होता है मौज मस्ती करना। जब आप खूब खुश होते हैं और दोस्त मिल जाए, खूब मौज मस्ती करते हैं, इवन दैट की बुढ़ापे में भी अगर बचपन के दोस्त मिल जाए, खूब मजा आता, खूब बढ़िया बढ़िया बातें होती, मौज मस्ती करते हैं, मौज मस्ती करना को इंग्लिश में कहते हैं फ्रीक अराउंड। फ्रीक अराउंड मीन्स होता है मौज मस्ती करना। फ्रीकी अली नाम की एक मूवी भी आई थी जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी, अरबाज खान वगैरह थे, तो फ्रीकी अली में जो फ्रीकी नाम है फ्रीक से ही बना था, बहुत मौज मस्ती करने वाला वो कैरेक्टर होता है। तो फ्रीकी से याद रखिएगा फ्रीक, फ्रीक अराउंड यानी मौज मस्ती करना। और एक है जो बिगड़ जाते हैं एक खास उम्र में, आवारा गर्दी करने लगते हैं। आवारा गर्दी करना बहुत बुरी बात है, वाहियात दर्जे के लोग ऐसा काम करते हैं। आवारा गर्दी को इंग्लिश में कहते हैं मूच अराउंड। मूच अराउंड मीन्स होता है आवारा गर्दी करना। ऐसे काम करने वाले को तो डंडा लेके दौड़ाना चाहिए ताकि भागते भागते उनके पैरों में मूच आ जाए। अब मूच से याद रखिएगा मूच, मूच अराउंड यानी कि आवारा गर्दी करना। ये सबसे गलत कामों में से एक है। आवारा गर्दी करना बहुत ही बेतुका और बेवकूफी वाला काम है, कभी नहीं करना चाहिए। ये आप कभी ना कहीं उम्र का तकाजा है या हर कोई अपनी उम्र में किया होगा, ऐसा कुछ भी नहीं। जो गलत होते हैं वो गलत काम करते हैं। आवारा गर्दी करना यानी मूच अराउंड। अच्छा, एक होता है शराब पी के लोग घूमते हैं, है ना, पी लिया उसके बाद कहीं नाले में पड़े हुए मिल रहे हैं, सुबह भूल भी जाते हैं। इस तरह से घूमना को इंग्लिश में कहते हैं बूज अराउंड। शराब पीकर घूमना, बूज अराउंड। वैसे बूज मीन्स शराब भी होता है, और बूज एज अ वर्ब इसका मतलब शराब पीना भी होता है। कैजुअल वर्ड है, इनफॉर्मल वर्ड है। बूज अराउंड, शराब पीकर घूमना, ये और भी बुरी बात है। एक तो शराब पीना ही गलत है, अब इस पर आप कमेंट करके गाली मत दीजिएगा, शराब पीना वाकई गलत बात है, और उसके बाद शराब पीकर घूमना, ये सरासर गलत बात है। एक और है गाड़ी बहुत तेज चलाना। गाड़ी बहुत तेज चलाना, तो कभी आप वीडियो या फोटो देखते हैं, जूम करते हैं ना, जल्दी से फोटो नजदीक आ जाती है, बड़ी सी दिखने लगती है। और आजकल तो जूम मीटिंग भी होती है ना, सब लोग लगता है आस पास आ गए हैं और बात कर रहे हैं मिलकर। तो जूम से याद रखिएगा जूम अराउंड। जूम अराउंड मतलब होता है गाड़ी तेज चलाना। ऐसे लोग भी बड़ी तेजी से नजदीक आते हैं, लेकिन बड़ी तेजी से ऊपर वाले के पास भी चले जाते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है ना, अपने तो जाते हैं, दूसरे को भी लेकर जाते हैं अपनी चपेट में। गलत बात है, गाड़ी तेज नहीं चलाना चाहिए। आई एम गोइंग टू कंक्लूड दिस वीडियो, फिर से सुनिएगा ध्यान से। चक्कर लगाना को इंग्लिश में कहते हैं मेक अराउंड, और ऐसे इधर उधर घूमना को रोम अराउंड, मौज मस्ती करने को फ्रीक अराउंड, और आवारा गर्दी करने को मूच अराउंड, और गाड़ी बहुत तेज चलाने को जूम अराउंड, और शराब पीकर घूमना को इंग्लिश में कहेंगे बूज अराउंड। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। शुक्रिया दोस्तों।